महान व्यक्ति श्री शंकर गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों वहाँ से आए अतिथि एवं मेरे पिताश्री को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं आज आज़ादी और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने कुछ विचार और गणतंत्र दिवस के लिए अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी जो बरसात बनकर 1947 को हमारे भारत को आज़ाद कराई। मैं प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तिरंगे वसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कड़ी थी। इसके बाद 62 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा ही विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि जिसको जिसको की बोटियां चली गई। बाल हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की दच्ची उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लगाकर भेजा करती थी कि पुत्र ना घबरा जाना, तुम्हें दुश्मनों की ललकार से 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे 1 इंच घर जाना। इस तरीके से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था क्योंकि उस वक्त देश बलिदान मांगता था। देश मर जाने फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, पर अब देश बलिदान नहीं मांगता, देश मर जाने फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरी नजरों में तो यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी लगन और मेहनत से करता है ना, तो वही सच्ची देशभक्ति, वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की टीवी को साल में 2-3 रंग में रख देना ही देशभक्ति। यदि आप इसे किसी व्यक्ति की देशभक्ति मानते हैं तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि सड़क पर खड़े ट्रैफिक छाव में खड़ा वो बच्चा जब हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? उसकी देशभक्ति नहीं, उसके प्रेम की, जो उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, जो न मदद को जानता है न सवालों को जानता है, जो पेट का भूखा होता है वो सिर्फ रोटी के निवालों को जानता है, वो सिर्फ रोटी के रिमालों को जानता है। अपने देश अपने समाज के लिए समर्पण का भार होती है देशभक्ति, ताकि हर एक देश तो समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह, पड़ना ये कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान भी तेरा। पर एक देश जो तबाह हो जाती है जब एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौपट पर छोड़ आता है, एक देश जो तबाह हो जाती है जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा लाइफ सब्सक्राइब फोटो खींच खींच कर अपने लाइफ सब्सक्राइब बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं, एक देश जो तबाह हो जाती है जब एक युवा के ऊपर अपने समाज अपने पत्र को बांधे रखने की जिम्मेदारी होती है, तब वह युवा 4x4 की छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर अपने मोबाइल अपलियों के घर से मात्र से अपने भावनाओं के इमोजी भेज रहा होता है। 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज करे भारत का भविष्य तबाह करके रख डाला है। आज हम ऐसे समाज भी जी रहे हैं जहाँ पर महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा भारत 4th स्थान पर आता है, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर कहिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने के इतने ही इच्छुक है तो जीते जीजा दान दीजिए और मरने के बाद अंगदान, ताकि किसी मरते हुए को जिंदगी दी जा सके। यही सच्चा राष्ट्र प्रेम और यही सच्ची देशभक्ति है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ, भारत मेरा है। परंतु बेचारे बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है, कहा जाता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक है, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, पर हम बदकिस्मत ही इंसान पैदा नहीं होते। मेरी नजरों में तो ना तो हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। मेरी नजरों में तो सिर्फ एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है, सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान ना हो जाए जब ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, जब ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी में मुझे मेरे समाज में नजर आती है, कहा जाता है कि जिस दिन में पूरे विश्व को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, वहीं आज विश्व के 100 विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पा रहा है, जहाँ हमारे पास NIT, IIT, MC जैसे महाविद्यालय, वहीं गरीबों को शिक्षा की जमात में खड़ा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुनू पकड़ा के खड़ा कर दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है, वो है हमारे देश की शिक्षा नीति जो केवल 2 तरीके के लोगों के लिए बनी है, पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। और मैं बता दूं, ऐसी कई गजब की बीमारी मुझे समाज में देखने को नजर आती है। ये ना हमारा राष्ट्रमंडल तब संभव हो पाएगा जब तक हमारे देश का राष्ट्रमंडल तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हमारे देश का युवा मंत्रों में जा जाकर अपनी कामयाबी के लिए भगवान को रिश्वत चढ़ाता रहेगा। हमारे शैक्षिक वर्ग का ही बिल्ली के रास्ते काट जाने पर खड़े हो जाना अपनी जाति अपने धर्म को ऊँचा बताकर दूसरों की जाति और दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्रमंडल संभव नहीं हो पाएगा। हमारा राष्ट्रमंडल तब तक
तब संभव हो पाएगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे देश का राष्ट्रनिर्माण तब संभव हो पाएगा जब हमारे देश में जाति का निरीक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात की जाएगी। हमारे देश का राष्ट्रनिर्माण तब संभव हो पाएगा जब हमारे देश की सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक सचेत अभियान में हाथ बटाएगा। हमारे देश का राष्ट्रनिर्माण तब संभव हो पाएगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारे देश का राष्ट्रनिर्माण तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक क्षेत्र रूप से वैश्विक मासिक रूप से निवार्य धार्मिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रूप से गंदा स्वच्छ वाले मूल्यों के आंकड़ों में जैसे शून्य पेपर लेव या खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा तब तक हमारा राष्ट्रनिर्माण संभव हो पाना असंभव है। बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी होती क्योंकि ठोकरें हमें पत्थरों से नहीं पहाड़ों से लगती है। अरे सॉरी ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। आई बी सिंबल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड फील प्राउड टू मी। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सड़क पर खड़े हर जवान को अपने देश की पुलिस प्रशासन और किसान को और हरी उस व्यक्ति को जिनके बिना राष्ट्रनिर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश का राष्ट्रनिर्माण तब संभव होगा जब मैं नहीं हमारे देश का हर एक नागरिक राष्ट्रनिर्माण में हाथ बटाएगा। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी हमारा भारत महान था महान है महान रहेगा लोगों के दिलों में हौसला होगा बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जयत गएगा और पाकिस्तान ही क्यों सारा जहाँ से जयत गएगा क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा है दोस्त हमारा हम बुलबुले हैं ये गुलिस्तान हमारा ये गुलिस्तान हमारा।